पूरे देश में तपिश महसूस की जा रही है, लेकिन बिहार जल रहा है। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। हवाओं में सांस लेकर जिंदा रहने की जद्दोजहद करने वाले लोगों के बीच इस तपिश से बचने का जुगत लगा हुआ है। लोग किसी तरीके से इस हवा को छूने से बच रहे हैं क्योंकि ये जानलेवा है। देखिए किस तरीके से बिहार का पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं, और ये पूरा जो रेड आपको दिखा रहा है ये खतरा है। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए इस खतरे को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है, अलर्ट। देश के अंदर चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं के बयानों से सियासत में तपिश है, नेताओं के बयानों में गर्माहट है, जमीन बंजर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, नदियां सूख रहे हैं, तालाब पोखर में पानी की बूंदे तलाशने पड़ रहे हैं। इधर हलक से शब्द की जो मर्यादा है वो टूट टूट कर बाहर निकल रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग की चेतावनी की, और इस चेतावनी का सबसे जो बुरा असर है वो जनमानस पर इस तरफ। ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें जो 20/4/2024 का ये जो सूचना पट है, और इसमें सीधे तौर पे बताया गया है, ये अलर्ट किया गया है, ये बिहार राज्य के अधिकतम तापमान का समाप्ति पे विश्लेषण किया गया है, और ये बता रहा है कि किस तरीके से बिहार में मौसम का जो तापमान, जो मौसम के अंदर जो तापमान आप महसूस कर रहे हैं, जो घर के अंदर रहने वाले लोग हुए या घर के बाहर, पंखे की हवा जानलेवा लग रही है। घर से बाहर अगर आप निकलते हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे आग की दरिया बह रही है या हवाओं में वो लहर है, वो तपिश है जो इंसान को झुलसा सकती है। अगले 3 से 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, और अगले 3 दिन तो बेहद ही गंभीर है। बिल्कुल सावधानी के लिए जो है वो सूचना दी गई कि आप बिल्कुल सावधानी बरतिए, आपकी लापरवाही आपके लिए जोखिम बन सकता है। देखिए किस तरीके से ये पूरे बिहार का जो मैप है, और इस मैप में बिहार में किस जिला में सबसे ज्यादा आग बह रहा है, तपिश, गर्मी, और ये प्रचंड रूप गर्मी का है, खौफ है गर्मी का। किस तरीके से देखिए, गोपालगंज, सिवान, वेस्ट चंपारण, इस चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, गया, सबसे ज्यादा इन इलाकों में जो गर्मी है, लू वो चल रही है। और देखिए इनमें सबसे दिलचस्प है कि बिहार के इन कुछ इलाकों में जो है वो चुनावी सरगर्मी है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोई नेताओं को सुनने के लिए तो कोई नेताओं को देखने के लिए, और कई लोग निकल रहे हैं अपने लोगों को जिताने और हराने के लिए। लेकिन यहाँ भगवान सूर्य की नाराजगी का आलम यह है, पर्यावरण में बदलाव, क्लाइमेट चेंज की जो बात करते हैं, हरियाली नहीं दिख रही है, बंजर भूमि लोगों को परेशान कर रही, और ये मौसम, ये अलर्ट ये बता रहा है कि इंसानों के लिए कितना मुश्किल है, जानवरों का क्या हाल होता होगा वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। जो सूचना पट्टी है इसमें हम आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये जो आपको पूरे इलाके हैं कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें जल रहा है पूरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा का कुछ हिस्सा, शेखपुरा का कुछ, नवादा का कुछ हिस्सा है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये सबसे ज्यादा। और तापमान में देखिए, जहां ज्यादा गाढ़ा रंग लाल है वहां ज्यादा तपिश है, और जहां हल्का हल्का फीका कलर होते जा रहा है वहां गर्मी थोड़ी सी कम है, लेकिन लोगों को वहां भी राहत नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, गर्मी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है, लोगों को राहत मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, 33.5 से लेकर 34.8 तक, यानी इस कलर की बात करें, हल्का रेडिश, कम रेड, जहां वहां थोड़े से लोगों को राहत आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये भी आपको परेशान कर रहा है। यहाँ भी 38 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, किशनगंज में 37 डिग्री सेल्सियस है, पूर्णिया में 38 डिग्री सेल्सियस है, कटिहार में 38-39 डिग्री सेल्सियस है, तो ये लोगों को राहत नहीं है। लेकिन बनस्पत, दरभंगा
और मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, यहां जो है पारा वो सीधे तौर पर 41 से 42 डिग्री सीधे तौर पर जा रहा है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें मौसम विभाग ने सीधे तौर पर कहा कि अगले 3 से 4 दिनों के लिए यह अलर्ट है। मौसम में इसी तरीके की तब्दीलियां दिखाई पड़ेगी, दिन से लेकर रात तक आपको राहत मिलने की उम्मीदें कम है। देर रात के बाद थोड़ी सी ठंड का एहसास भले ही आपको हो जाए लेकिन अभी जो है वो बड़ी समस्या आपको दिखाई पड़ रही है। मौसम का मिजाज बदला है और यह रेड जोन आपके लिए खतरे की घंटी है, संभल कर घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो सीधे आ चुका है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।